कुर्सी मायावती ने संभाल ली है। देखिए नारे लग रहे हैं, मायावती जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। नीचे जो लोग खड़े हुए हैं उनके हाथों में बड़ी तादाद में मायावती की पार्टी बीएसपी के नीले रंग के झंडे हैं। मायावती मंच पर मौजूद, इंतजार मुलायम सिंह यादव का। चंद पलों में यहां पर मुलायम सिंह यादव भी होंगे और ये इतिहास बनते हुए आप देखिए एबीपी न्यूज पर। मुझे लगता है कि कोई मंच पर आ रहा है, शायद मायावती उसी का अभिवादन करने के लिए खड़ी हो रही है, ऐसा मैं अंदाजा लगा पा रही हूँ। देखिए मायावती खड़ी हुई है, ये पहुंच गए मुलायम सिंह यादव। ये तस्वीरें आपके सामने, मुलायम सिंह यादव पहुंच रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ और उम्र का असर मुलायम सिंह यादव पर आप देख पा रहे थे। खुद अपने आप चढ़ भी नहीं पाए, वो सहारा लेकर वो उस ऊंचाई पर चढ़े जहां पर कुर्सियां रखी गई हैं और अब अखिलेश यादव उन्हें कहते हुए कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कि कहां उन्हें बैठना है। बेटे के कंधे पर हाथ रखा हुआ है मुलायम सिंह यादव ने। बेटे का हाथ देखिए किस तरीके से लगातार अखिलेश यादव का हाथ थामा हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है, सहारा सा ले रहे हैं बेटे से। अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का, ये मैनपुरी है, ये यादव परिवार का गढ़ है, ये मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। जब से समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई तब से समाजवादी पार्टी कभी भी मैनपुरी की ये सीट हारी नहीं है। यहां से मुलायम सिंह यादव कई बार संसद पहुंचे। ये मुलायम सिंह की अपनी सीट, अपना इलाका, अपने लोग, और वहां पर पहुंची है मायावती। इतिहास किस तरीके से खुद को दोहरा रहा है इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीन कुर्सियां मैंने देखी मंच पर रखी हुई, अब कोने वाली कुर्सी पर मुलायम सिंह यादव बैठ गए हैं, बीच वाली कुर्सी पर मायावती बैठी है। हालांकि पहले मायावती इस कोने वाली कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन अब मायावती जिस कुर्सी पर पहले बैठी थी उस पर अखिलेश यादव बैठ गए और पिता पुत्र के बीच वाली कुर्सी में मायावती को दी गई है, उन्हें बिठाया गया। तो बेहद अहम हो जाती हैं ये तस्वीरें। जी दिबांग, ये कि मुलायम सिंह यादव मायावती की तरफ देखते हैं कि नहीं, क्योंकि वो कोने में बैठे हुई ही थी, उन्होंने कहा उनको सामने आने के लिए। अखिलेश चाहते थे ये जो टेबल लगी है उसके सामने आए मुलायम सिंह यादव, काफी उन्होंने कोशिश भी की लेकिन मुलायम सिंह वहां नहीं आ पाए। तो मायावती को आपने देखा, उन्होंने कहा यही इनको रहने दो और मायावती खुद चलकर उनके पास आई ताकि एक वो तस्वीर बने जिसमें तीनों नेता एक फ्रेम में हाथ हिलाते हुए दिखाई दें, जो बाद में दिखाई दी। बिल्कुल, ये तस्वीर अपने आप में बड़ा संदेश देते हुए। और मैं मैनपुरी आपको लिए चलती हूँ जहां ये रैली हो रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, तो आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार था, मंच साझा करते हुए मुलायम सिंह यादव और मायावती, देख सकते हैं हम तस्वीरों में।